सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजे न्यू एप्स यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो आप मतलब जब गेम वगैरह खेलते हो और ऐसे में अगर आपको कोई कॉल करता है, किसी का मैसेज आता है, तो आप ऐसे में डिस्टर्ब हो जाते हो। तो अगर आप वो कॉल या एसएमएस जो आते हैं उनको अगर आप बंद करना चाहते हो तो कैसे बंद कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हो कि गेम खेलते समय अगर आपको कोई कॉल करता है तो आप तक ना पहुंचे, आप गेम खेलते हो तो ऐसे में डिस्टर्ब ना हो आप, तो ये कैसे बंद कर सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में देखना है यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का सेटिंग दिया है या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर पूरी सेटिंग्स आपके यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएंगी, आपको देखना है कहीं पर भी डू नॉट डिस्टर्ब है या नहीं है ये वाला जो सेटिंग है, ठीक है। तो मेरे में यहाँ पर है डू नॉट डिस्टर्ब, तो ये आपका जो कि कुछ इस तरीके से बंद रहेगा, तो आपको इसको ऑन करना है। जैसे ऑन कर लेते हो आप, तो उसके बाद अब आपको कोई अगर कॉल एसएमएस वगैरह करता है तो आपको मैसेज वगैरह जो भी आएगा वो सब आपको सिर्फ यहाँ पर स्टेटस बार पे दिखेगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कहीं पर भी शो नहीं करेगा, ना ही कॉल का रिंग बजेगा, मैसेज का कोई साउंड नहीं बजेगा, ठीक है, अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर लेते हो। अब मान लीजिए अगर आपके फ़ोन में ये नहीं है डू नॉट डिस्टर्ब, तब आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है गेमिंग मोड, ठीक है। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर देते हो उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से आएगा। फिर यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है कि जिस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे उसके बाद आपकी कॉल इसमें सब बंद हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर मेरा है फ्री फायर, मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर सेटिंग के अंदर आपको आना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद फिर आपको यहाँ पर ये तीनों को ऑन कर देना है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आप जैसे इसको ऑन करते हो आपको यहाँ से इसको भी ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फिर अब आपको क्या करना है, फ्री फायर गेम को खेलने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से गेम को प्ले करना है, ना कि आपको यहाँ पर ऐप्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आपको नहीं प्ले करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।